हेलो एवरीवन, आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ चिकन चंगेजी की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और इसे बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। और आप इसे घर पे ही बहुत अच्छा रेस्टोरेंट वाला फ्लेवर भी दे सकते हैं। बस थोड़े ही मसालों के साथ, कुछ ही इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इसे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रेवी बिल्कुल बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी बनी है और इसके पीसेस भी एकदम बढ़िया मसालों में लिपटे हुए हैं। तो बस इसी तरह का चिकन आप आराम से बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए आधा किलो चिकन और उसमें हम यूज़ करेंगे आधा कप दही। याद रहे, दही बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। और एक चम्मच हमने यहाँ पे ऐड किया है जिंजर गार्लिक पेस्ट और 2 चम्मच काश्मीरी रेड चिली पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और 1 छोटा चम्मच हमने यहाँ पे नींबू का रस ऐड किया है और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करें। 1 छोटा चम्मच चाट मसाला और अब इसे मिक्स करेंगे और इसे हम 15 मिनट के लिए रख देंगे। उसके बाद हमें प्रिपेयर करना है ग्रेवी। तो सबसे पहले हमें चाहिए थोड़ा सा बटर एक कढ़ाई में और इसे मेल्ट होने देंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे थोड़े से ही मसाले। यहाँ पर मैंने एक काली बड़ी वाली इलायची ली है, ब्लैक वाली, और वाइट इलायची ली है मैंने 4, और 2 इंच दालचीनी, 4 से 5 लौंग, और 6 से 7 काली मिर्च, और आधा छोटा सा टुकड़ा हमने यहाँ पे जावित्री का लिया है। और इन सारे मसालों को हमें बटर में रोस्ट करना है 2 मिनट के लिए। गैस की फ्लेम को मीडियम रखें। और अब इसमें ऐड कर देंगे हम ये 2 कप कटा हुआ प्याज है, ये स्लाइस्ड है। आप इसी तरह से प्याज को काट लें और इसे बढ़िया से हमको ब्राउन होने तक अच्छे से कुक करना है। यहाँ पे मैंने तेल का इस्तेमाल नहीं किया है, बटर का ही यूज़ किया है। बटर से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसे गोल्डन होने तक हम इसी तरह से फ्राई करेंगे, मीडियम फ्लेम पर करें। और अब इसमें ऐड कर देंगे 7 से 8 काजू, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसमें। अच्छे से मिक्स करें और अच्छे से रोस्ट हो चुका है, अब आप देख सकते हैं ये। और इसे हम अब एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ठंडा होने के बाद हम प्रिपेयर करेंगे इसका एक पेस्ट। तो भी ठंडा हो जाएगा तब इसका पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर चिकन मैरिनेट हो चुका है, 15 मिनट बाद ये ठीक ठाक मैरिनेट हो गया है। आप चाहे तो इसे ज़्यादा भी रख सकते हैं। और अब इसे हम ऐड करेंगे कढ़ाई में और इसे हमें कुक करना है। तो सारे चिकन हमने कढ़ाई में ऐड करे, ये उसी कढ़ाई में ले लिया है जिसमें हमने प्याज को भूना था। और ये जो बचा हुआ मसाला है ग्रेवी में यूज़ करेंगे हम। इसे ढक कर 7 मिनट के लिए पकाएं। और यहाँ पर ऐड करेंगे हम एक कढ़ाई में तेल, या 2 चम्मच तेल लिया है, और जिंजर गार्लिक पेस्ट का यूज़ किया है 2 चम्मच। मैंने लोहे की कढ़ाई ली है, आप चाहें तो कोई और कढ़ाई ले सकते हैं। और 1.5 कप हमने यहाँ पे ताज़े टमाटर की प्योरी प्रिपेयर करी है, उसमें ऐड करेंगे हम तेल गर्म होने के बाद में। और अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से भूनेंगे। टमाटर बहुत अच्छे से भुनना है जिससे इसका खट्टापन कम्प्लीटली ख़त्म हो जाए। और अब हम ऐड करेंगे नमक और 1 छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर और 2 चम्मच भर करके धनिया पाउडर और थोड़ी सी टर्मरिक, ये ऑप्शनल है, अगर आपको थोड़ा कलर चाहिए तो आप डाल सकते हैं। और अब हमें तेल अलग होने तक इसे बढ़िया से भूनना है। टमाटर का भुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना इसका जो खट्टापन है वो चिकन में आ जाएगा। इसे बढ़िया से भूनिए, ज़रूरत पड़े तो इसमें पानी डालिए। ये कुछ मीडियम फ्लेम पर भुन गया है, बिल्कुल ऐसे ही वाला कलर लाना है हमको इसमें। और इधर हम चेक करेंगे चिकन, जिसने पानी अच्छा खासा छोड़ दिया है। तो अभी कुक तो हो ही चुका है, इसका पानी हमें कम्प्लीटली सुखा लेना है, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो थोड़ी सी अभी इसमें थोड़ा सा कुक होना बाकी है, तो इसे थोड़ी देर के लिए ढकेंगे।
और इधर ये मसाला हमारा भुन चुका है, तेल इसमें से अलग हो रहा है। मैंने बहुत ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं किया है, आप चाहें तो ज़्यादा तेल भी यूज़ कर सकते हैं। और अब ये मैरिनेशन वाली जो ग्रेवी बची थी वो इसमें ऐड कर देंगे। इसमें भी मसालों का अच्छा खासा फ्लेवर है। और इसके बाद ऐड करेंगे ये हमने जो प्याज का पेस्ट बना कर रखा था, और अब इसे भी हमें अच्छे से इसी तरह से कुक करना है। मिक्स करें बहुत बढ़िया से। इसे कवर करें, 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएं। और यहाँ पे चिकन आप देख सकते हैं ड्राई होने लगा है। चिकन बढ़िया से ड्राई हो गया है। और अब ये हमारी ग्रेवी भी इधर बिल्कुल तैयार हो चुकी है, इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे यही, और अच्छे से मिक्स करेंगे इसे हम। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी यूज़ किया, लगभग 1 कप गर्म पानी का इस्तेमाल करें। इसे बढ़िया से मिक्स कर लें और कुक करें 2 मिनट के लिए। और फिर 2 मिनट बाद हमें यहाँ पे हमने 1/2 कप दूध का यूज़ किया है, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्रीम का यूज़ नहीं किया, क्रीम डालने से भी अच्छा फ्लेवर आता है। 2 मिनट के लिए पकाएं और 2 मिनट बाद आप देख सकते हैं इसका कलर भी इतना अच्छा आया है। तो ये कम्प्लीटली अब कुक हो चुका है। अब यहाँ पे हमने ऐड करा 1 चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच हमने ऐड किया चाट मसाला, और ये कुछ कटी हुई मिर्ची हैं यहाँ पे, 3 से 4। मिक्स करें। धीरे धीरे करके इसका कलर बढ़ता ही जाएगा। और अब हमने ऐड किया यहाँ पे रोस्टेड जीरा पाउडर, या आप घर पे ही बना सकते हैं, जीरे को हल्का सा भून के उसका पाउडर बना सकते हैं और इसे ऐड कर सकते हैं। तो अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो ये थी हमारी चिकन चंगेजी की रेसिपी। तो इसे सर्व करें, इंजॉय करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।